गण, सामने उपस्थित शिक्षक गण, छात्र गण, कर्मचारी गण, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी कड़ी धूप में इतनी लंबी रैली करके यहां तक आए। कई सारे साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। दोस्तों, मैं आपकी इस आवाज के साथ आवाज मिलाने इसलिए नहीं आता कि मैं केवल आपके आवाज के साथ हूं, मैं इस आंदोलन में इसलिए आता हूं क्योंकि ये लड़ाई मेरी भी है। ये लड़ाई मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे दोस्तों के लिए है। ये लड़ाई उन तमाम लोगों के लिए है जिन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि गरीब, दलित, आदिवासी तक शिक्षा न पहुंच पाए। तो मुझे लगता है ये लड़ाई गरीब वर्गों के लिए है, दलित के लिए है, आदिवासी के लिए है। क्योंकि मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले अंबानी जी ने कहा कि अब शिक्षा की तरफ हमें जाना है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है किस तरह से अंबानी जी शिक्षा में ठीक से अपना पदार्पण कर पाए, और इसीलिए जानबूझकर इस हायर एजुकेशन को दमन करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सभी जितने भी अलग अलग संगठन के लोग आए हैं। मुझे लगता है कि लड़ाई की पहली जीत तभी हो जाती है जब आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले दिल्ली में एक पॉपुलर मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और यह मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे देश में एकमात्र सरकार है जो लगातार शिक्षा में अपना बजट का हिस्सा बढ़ाता जा रहा है। इस बार भी 25% हिस्सा अपने बजट का शिक्षा में दिया गया है। यह एकमात्र सरकार है जिसके शिक्षा मंत्री ने पहली बार लिखा, जब मैं आ रहा था तरह तरह के नारे लग रहे थे, कुछ लोग नारे लगा रहे थे अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने पहली बार लिखा कि जितने भी इसमें के सारे 4,000-5,000 टीचर हैं सबको नियमित किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार पूरे देश में पहली और एकमात्र सरकार है। आपकी इस लड़ाई के साथ है, आपके सिर्फ जॉनसन के साथ है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज जो आप सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि 30% कॉलेज को खुद इंटरनेट करना पड़ेगा, अभी मैं बैठा हुआ था, आयत मिश्रा जी से बात हो रही थी, बात केवल 30% की नहीं है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है आपको तो एक बार से लोन लेकर के पहले आपको काम करना है। तो मैं इसको ऐसे मानू कि 100% कॉलेज को फंड जनरेट करना है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब इस लड़ाई को लड़ते रहिए। मैं और हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी, हमारी छात्र संगठन आपके इस लड़ाई के साथ है। दोस्तों, देश का हालात जो आज है, आज इसी दिल्ली में आप सड़क पर है, किसान सड़क पे है, व्यापारी सड़क पे है, तो मेरा एक मानना है कि आज देश बहुत संगीन अवस्था से गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को कोई दिशा दे सकता है तो आप सभी छात्रगण, आप सभी शिक्षकगण दे सकते हैं। तो आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, इस लड़ाई के साथ हम कदम में कदम आपके साथ मिलाकर खड़े हैं। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।